मोशन, जैसे हम जानते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, कोई रेस्ट पोजीशन में होते हैं, कुछ मोशन में होते हैं, जैसे बर्ड्स फ्लाई करती हैं, फिश स्विम करती है, ब्लड फ्लो होता है हमारे वेन्स और आर्टरीज में से, कार्स मूव करती हैं, एटम मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सी, सारी चीज़ें मोशन में होती हैं। और वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंजेस विद टाइम, और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को तब मानते हैं कि वो मोशन में है जब वो चेंज करता है अपनी पोजिशन को टाइम के हिसाब से। और इसीलिए ये सिचुएशंस जो है जहाँ पर मोशन जो है इन्फर्ड किया जाता है इनडायरेक्ट एविडेंसेस से। एग्जाम्पल देखें तो हम इन्फर करते हैं मोशन ऑफ एयर को बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट और मूवमेंट ऑफ लीव्स या ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। क्या कॉज करता है फिनोमेना ऑफ सनराइज को, सनसेट और चेंजिंग ऑफ सीजन, ये किस फिनोमेना से होता है? क्या ये मोशन की वजह से होता है अर्थ के? तो यस, अगर ये सही है तो क्यों हम डायरेक्टली नहीं देख पाते या परसीव नहीं कर पाते मोशन ऑफ द अर्थ को? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपीयर होता है मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर, ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्सन के लिए कोई ऑब्जेक्ट मूविंग में आपको लग रहा हो कि मोशन में है और दूसरे के लिए स्टेशनरी है। जैसे पैसेंजर अगर मूविंग बस के अंदर है तो रोड साइड ट्रीज उन्हें अपीयर होंगी मूविंग में बैकवर्ड, और पर्सन जो स्टैंड करता है रोड साइड पे वो परसीव करता है बस को अलॉन्ग विद द पैसेंजर एज मूविंग। और इसी तरह कोई पैसेंजर जो बस के अंदर है तो वो अपने पहले पैसेंजर्स को जो उनके साथ बैठे हैं उन्हें वो रेस्ट में देखेंगे या उन्हें लगेगा कि ये रेस्ट में है, तो ये ऑब्जर्वेशंस क्या इंडिकेट करते हैं। बहुत सारे मोशंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में और कुछ सर्कुलर पाथ में, कुछ रोटेट होते हैं और कुछ वाइब्रेट होते हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं देयर में भी सिचुएशंस जो इन्वॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ ये सारी चीज़ों को। और इस चैप्टर में हम पहले सबसे पहले देखेंगे कि डिस्क्राइब किस तरह से करना है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लाइन में। हम और भी जानेंगे इस बारे में कि किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं इन मोशंस को थ्रू सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक्टिविटी दी है जिसमें हमें डिस्कस करना है कि वेदर द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम आर एट रेस्ट और इन मोशन। एक और एक्टिविटी है जिसमें आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो कि ट्रेन जो है जिसमें आप बैठे हुए हैं वो अपीयर हो रही है आपको मूव करते हुए जबकि वो रेस्ट पोजीशन में है, ऐसा बहुत बार आपके साथ हुआ होगा। डिस्कस करना है, शेयर करना है अपने एक्सपीरियंस को आपको। अब हम देखेंगे डिस्क्राइब किस तरह से करना है मोशन को, तो डिस्क्राइबिंग मोशन तो हम डिस्क्राइब कर सकते हैं लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग द रेफरेंस पॉइंट। किसी भी ऑब्जेक्ट को एक रेफरेंस पॉइंट देकर लोकेशन उसकी बता सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल कि हमने अज्यूम किया कि एक स्कूल जो है एक विलेज के अंदर की वो 2 किलोमीटर नॉर्थ में है रेलवे स्टेशन से, तो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं पोजीशन ऑफ द स्कूल को विद रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन, और इस एग्जाम्पल में रेलवे स्टेशन जो है वो रेफरेंस पॉइंट का काम कर रहा है। हम चूज कर सकते हैं कोई अदर रेफरेंस पॉइंट को भी अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस, और इसीलिए डिस्क्राइब करने के लिए पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम ओरिजिन भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन जो है वो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन होता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू। कंसिडर कीजिए कि एक मोशन है ऑब्जेक्ट की जो मूव करता है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है उसकी जर्नी को ओ से और उसे ट्रीट करता है एज अ रेफरेंस पॉइंट। जैसे ए, बी और सी को हमने रिप्रेजेंट किया है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट मूव करेगा सी और बी को और फिर पहुंचेगा ए की तरफ, और देन वो मूव करेगा बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दी हमें स्ट्रेट लाइन पाथ में, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है। टोटल पाथ लेंथ जो है जो कवर्ड की है एक ऑब्जेक्ट ने वो है ओ ए प्लस ए सी। पहले वो ओ से ए तक गया एंड देन ए से वापस सी तक आया, तो वो चीज को भी हमें काउंट करना है। ओ टू ए डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, ए सी है 35 किलोमीटर, ओवरऑल डिस्टेंस 95 किलोमीटर हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है वो कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने। और डिस्क्राइब करने के लिए इस डिस्टेंस को हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू, या डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें इसमें कोई काम की नहीं है, यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाना बहुत जरूरी है। कुछ सर्टन क्वांटिटीज होती है जो डिस्क्राइब करती है स्पेसिफाई करने के लिए उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज को। न्यूमेरिकल वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कह सकते हैं हम, और वो उसका मैग्नीट्यूड होती है। इस एग्जांपल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कितना था फाइनल पोजिशन सी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन, सी का ओ से कितना डिस्टेंस था।
और ये जो डिफरेंस होता है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देता है उसके डिस्प्लेसमेंट की ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक या पोजिशन तक ऑब्जेक्ट का, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या मैग्नीट्यूड किसी भी डिस्प्लेसमेंट का इक्वल हो सकता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट से? तो कंसिडर करना है एक एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए ओ टू ए का डिस्टेंस जो है वो कवर किया था 60 किलोमीटर और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी 60 किलोमीटर था। ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, एंड देन बैक टू बी बोलेंगे मतलब रिकवर, उसने वापस से बैकवर्ड आया जब तो 25 किलोमीटर आया वो ऑब्जेक्ट, तो टोटल डिस्टेंस 60 + 25 मतलब 85 किलोमीटर कवर किया था। वाइल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज 35 किलोमीटर, लेकिन मैग्नीट्यूड कितना हुआ? सिर्फ 35 हुआ, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर जो है वो इक्वल नहीं है उसके पाथ लेंथ से। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहले ओ टू ए गया मतलब 60 किलोमीटर एंड देन ए टू सी आया, वो ए टू बी आया तो वो डिस्टेंस 25, तो ऐसे 60 + 25 = 85 हुआ, लेकिन आप अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करोगे तो डायरेक्टली ओ टू बी का डिस्टेंस लेगा, दैट इज 35, क्योंकि ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है। हमने नोटिस किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है ऑफकोर्स मोशन होता है, और मतलब उसमें जो होता है ऑफकोर्स मोशन में भी जीरो, पर करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है वो जीरो नहीं होगा। If we consider the object to travel back to O, अगर हम consider करें कि वो back to O आ जाए तो final position उसकी क्या होगी? Initial position बन जाएगी, क्योंकि O से start किया था और O पे end हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगी? Initial position पे ही final position आ जाएगी, इसलिए उसका displacement वहाँ पर zero हो जाएगा। बल्कि उसका अगर हम डिस्टेंस देखेंगे तो वो 60 + 60 120 किलोमीटर होगा। तो ये दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, जिसे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ये यूज की जाती है डिस्क्राइब करने के लिए ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को, और लोकेट करने के लिए उसकी फाइनल पोजिशन को विथ रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन एट अ गिवन टाइम। एक एक्टिविटी दी है जिसमें हम एक मीटर स्केल लेनी है और एक लॉन्ग रोप लेनी है। वॉक करना है आपको वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट से टू इट्स अपोजिट कॉर्नर, बिल्कुल अपोजिट कॉर्नर में आपको मूव करना है अलोंग इट्स साइड्स, उसके साइड्स के थ्रू, और मेजर करना है डिस्टेंस जो कवर किया है आपने और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा? मतलब आप अगर साइड टू साइड जाते हैं एकदम अपोजिट वाले कॉर्नर पे तो कितना डिस्टेंस होता है, और आप डिस्प्लेसमेंट अगर उसका देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? उसका डायगोनल जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डायगोनल और इसमें कोई डिफरेंस आएगा या नहीं, ये आपको देखना है। एक और एक्टिविटी है जिसमें हमें ऑटोमोबाइल्स जो है वो फिटेड किए जाते हैं, जिनके अंदर डिवाइस जो शो करता है डिस्टेंस को कितना आपने ट्रैवल किया है, और ऐसे डिवाइस को कहते हैं ओडोमीटर। कार जो ड्रिवन करती है, जैसे कह सकते हैं भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली जाना है, तो डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड इनिशियल रीडिंग ओडोमीटर जो बताता है वो है 1850 किलोमीटर। तो फाइंड आउट करना है आपको मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम नाम से ही समझ सकते हैं। कंसिडर कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में। लेट इट ट्रैवल 50 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर, पहले घंटे में वो 50 किलोमीटर चल रहा है, अगले दूसरे घंटे में भी 50 किलोमीटर, उसके बाद भी 50 किलोमीटर, मतलब वो हर घंटे में 50 किलोमीटर चल रहा है। तो इस केस में ऑब्जेक्ट जो है वो कवर कर रहा है 50 किलोमीटर इन ईच आवर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और इसीलिए हम इसे यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जो टाइम ट्रेवल किया जाता है इस मोशन में वो स्मॉल और बिग हो सकता है। हमारे डे टू डे लाइफ में जैसे हम बहुत सारे मोशंस के एग्जांपल्स हमारे आसपास रहते हैं, और जो ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल अगर कार मूव कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट में या पर्सन जॉगिंग कर रहा है पार्क में, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो करते हैं। एक्टिविटी में हमें देखना है कि डेटा जो रिगार्डिंग मोशन है दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, ए और बी का, वो हमें दिया गया है टेबल 8.1 में। एग्जामिन करना है हमें उसे केयरफुली और स्टेट करना है कि वेदर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यहाँ पर हमें दिया है, जैसे आप देख सकते हैं टेबल में टाइम दिया है 9:30, 9:45, 10, 10:15, 10:30, इसका मतलब है हर टाइम के बाद 15 मिनट का गैप है हर टाइम के बीच में, और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ए ने और डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है बी ने, ये दोनों डिस्टेंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। ए में जैसे 9:30 पे स्टार्ट किया है उसने ट्रैवल करना, दैट इज 10 किलोमीटर
10 मीटर वेल 9:45 पे 20 देन 30 40 50 60 70 वेल जो बी है उसने 12 19 23 35 37 41 44 इस तरह से डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है मीटर में. तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रैवल कर रहा था वेल ऑब्जेक्ट बी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में था. मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, किस तरह से हम मेजर कर सकते हैं रेट ऑफ मोशन को. जैसे हमें यहाँ पर एक स्कोरबोर्ड दिया हुआ है क्रिकेट मैच का, एक यहाँ पर हमें पिक्चर दिया गया है जिसमें हमें दिखाया गया है कि बॉलिंग स्पीड जो है इन किलोमीटर पर आवर किस तरह से है. पहले 140 देन 143 135 145 इस तरह से, मतलब ये चीज़ यूनिफॉर्म नहीं है. एक और डायग्राम है जिसमें हमें स्पीड लिमिट दी हुई है उस रोड के ऊपर की, जिसमें दिखा है कार की स्पीड जो है 50 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए. वेल जो लगेज वाली गाड़ियां होती हैं जिसमें सामान रखा जाता है 40 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड होनी चाहिए. तो ये सिचुएशंस जो हमें ऊपर दी गई हैं, जैसे बॉलिंग स्पीड जो है 143 किलोमीटर पर आवर फिगर 8.2 ए में दूसरा दिया है हमें, उसका मतलब क्या है और अंडरस्टैंड क्या कर सकते हैं. स्पाइन साइन बोर्ड जो हमें दिया है सेकंड डायग्राम में उसमें क्या शो कर रहे हैं. तो सेकंड वाला जो डायग्राम है उसमें ये बताया गया है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है उन्हें डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगता है किसी भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने के लिए. कुछ उसमें से फास्ट मूव करते हैं, कुछ स्लो मूव करते हैं. रेट जिस ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है वो डिफरेंट होता है. अलसो रेट डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करते हैं सेम रेट से. अदर वेज से देखें मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. क्वांटिटी जो है उसकी, इसकी ये जो क्वांटिटी होती है रेफर की जाती है स्पीड के थ्रू, और ऐसा यूनिट जो है स्पीड का वो है मीटर पर सेकेंड, और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सिंबल मीटर पर सेकेंड. एम एस एस टू पावर माइनस वन भी लिख सकते हैं और मीटर पर सेकेंड मतलब एम बाय एस भी लिख सकते हैं. अदर यूनिट ऑफ स्पीड जो है उसके अंदर सेंटीमीटर पर सेकेंड भी आता है एंड किलोमीटर पर आर भी आता है. स्पेसिफाई करने के लिए स्पीड को किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें जरूरत होती है मैग्नीट्यूड की. स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड नॉट बी कॉन्स्टेंट, है ना, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है कॉन्स्टेंट नहीं रहती. बहुत सारे केसेस में ऑब्जेक्ट जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहते हैं और इसीलिए हम डिस्क्राइब करते हैं कि रेट ऑफ मोशन ऐसे ऑब्जेक्ट्स का इन टर्म्स ऑफ देयर एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑब्टेन की जाती है बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय द टोटल टाइम टेकन. इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. अगर ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है कुछ डिस्टेंस सपोज एस इन टाइम टी, देन स्पीड वी इज इक्वल टू एस बाय टी. ये हमारा फॉर्मूला है, इसे आपको याद रखना होगा. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे इसे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि एक कार ट्रैवल करती है एक डिस्टेंस को सपोज 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को 2 आवर्स के अंदर. तो इससे ये साबित होता है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर है. कार माइट नॉट हैव ट्रैवल 50 किलोमीटर पर आवर, उसने हर टाइम जो हर समय 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नहीं चलाया होगा, कभी बहुत फास्ट भी चलाया होगा कभी स्लो भी, बट अगर एवरेज टाइम निकालेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज टाइम आएगा. एक ऑब्जेक्ट है जो ट्रैवल करता है 16 मीटर इन 4 सेकंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकंड, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा. तो हमें पहले दोनों डिस्टेंस को ट्रैवल जो जितना डिस्टेंस है उसे ऐड कर लेना है, दैट इज 32. टोटल टाइम लगेगा 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड दैट इज 6 सेकंड्स एंड देन डिवाइड दैट. मतलब हम क्या करेंगे एवरेज स्पीड के लिए 32 अपॉन 6 दैट इज 5.33 हमारा मीटर पर सेकंड, ये क्या आ जाएगा एवरेज स्पीड आ जाएगा उस ऑब्जेक्ट का. अब हम देखेंगे स्पीड विद डायरेक्शन. तो रेट ऑफ मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट का बहुत ही कॉम्प्रेंसिव हो सकता है अगर स्पेसिफाई करें उसकी डायरेक्शन को, डायरेक्शन ऑफ मोशन को उसकी स्पीड के साथ. क्वांटिटी जो स्पेसिफाई करती है वो दी एस्पेक्ट्स को उन्हें वेलोसिटी कहा जाता है. वेलोसिटी एक स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की जो मूव करती है इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, और ये चेंज हो सकती है बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में वेरिएबल स्पीड पे, तो हम एक्सप्रेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, उसके मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, और ये कैलकुलेट की जाती है इन सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड. इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जब चेंज होता है एट यूनिफॉर्म रेट, तो एवरेज वेलोसिटी जो है उसे हम एरिथमेटिक मीन के थ्रू गिवन करते हैं ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. और उसका फॉर्मूला है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. मैथमेटिकली हम लिखेंगे तो वी ए वी मतलब वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2, जहां पर वी ए वी इज द एवरेज वेलोसिटी एंड यू इज द इनिशियल वेलोसिटी वेल वी इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्पीड और वेलोसिटी के सेम यूनिट्स होते हैं दैट इज मीटर पर सेकेंड.
एक्टिविटी में हमें मेजर करना है टाइम को. इट टेक्स यू टू वॉक फ्रॉम योर हाउस टू बस स्टॉप. आपके घर से बस स्टॉप तक जाने के लिए या स्कूल तक जाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है. अगर आप कंसिडर करेंगे एवरेज वॉकिंग स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं डिस्टेंस को बस स्टॉप या स्कूल के आपके घर से. एक्टिविटी एक और दी है जिसमें एट द टाइम जब क्लाउडी होता है तो फ्रीक्वेंट थंडर या लाइटनिंग आपको देखने को मिलती है और साउंड ऑफ थंडर जो है उसे कुछ समय लगता है आपके आप तक पहुंचने के लिए एज कम्पेयर टू लाइटनिंग. तो आप आंसर कर सकते हैं क्यों ऐसा होता है, बिकॉज लाइट की जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से बहुत ज्यादा है. मेजर कर सकते हैं टाइम इंटरवल को यूजिंग डिजिटल रिस्ट वॉच या स्टॉप वॉच. कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ लाइटनिंग को. स्पीड ऑफ साउंड अगर एयर में देखेंगे तो वो है 346 मीटर पर सेकेंड. एग्जाम्पल में एक ओडोमीटर दिया है कार का जो रीड करता है 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ अ ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप. अगर ट्रिप को 8 घंटे लगते हैं तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है. डिस्टेंस कितना कवर किया है, 2400 माइनस 2000 मतलब 400 किलोमीटर चली है गाड़ी और 400 चलने के लिए 8 घंटे लगे हैं. तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी. एक और एग्जाम्पल हमें यहाँ दिया हुआ है जिसमें उषा के स्विमिंग के बारे में यहाँ दिया है कि उषा स्विम करती है 90 मीटर लॉन्ग पूल को और वो कवर करती है 180 मीटर को 1 मिनट के अंदर. मतलब वो सेकेंड एंड तक जाकर वापस आने का काम करती है. दैट इज 90 प्लस 90 180 मीटर का डिस्टेंस 1 मिनट में कवर करती है. तो फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ उषा. इसमें टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है उषा ने वो 1 मिनट में किया है 180 मीटर. डिस्प्लेसमेंट जो है उषा ने 1 मिनट में 0 मीटर किया है क्योंकि वो जाकर आ गई. मतलब वही पोजीशन जो फाइनल पोजीशन था वही उसका इनिशियल पोजीशन जो था वही फाइनल पोजीशन हुआ है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 है. एवरेज स्पीड इसकी टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन है, दैट इज 180 मीटर अपॉन 1 मिनट. इसे हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकेंड के अंदर. मिनट था उसने 60 सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो 180 मीटर अपॉन 63 आया है हमारा, 3 मीटर पर सेकेंड हमारा एवरेज स्पीड आया है. वेल एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है. डिस्प्लेसमेंट हमने पहले ही देखा 0 है क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजिशन सेम थी. अपॉन 60 सेकेंड हमारा टाइम था तो आंसर हमारा आएगा 0 मीटर पर सेकेंड. तो एवरेज स्पीड उषा की 3 मीटर पर सेकेंड थी और उसकी एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड रही. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. यूनिफॉर्म मोशन के समय किसी भी ऑब्जेक्ट के अलोंग अ स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी जो उसकी रहती है वो रिमेंस कांस्टेंट रहती है. और इस केस में चेंज इन वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑफ एनी टाइम इंटरवल वो 0 होती है. हाउएवर नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो वेलोसिटी वैरी करती है टाइम के साथ साथ और डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट इंस्टेंट्स में होती है और डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ पाथ होते हैं. दिस चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी टाइम इंटरवल इज नॉट 0. क्या आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इस चेंज इन वेलोसिटी को किसी भी ऑब्जेक्ट के इस तरह से? तो आंसर करने के लिए इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चंस को हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी को जिसे एक्सेलरेशन कहते हैं, जो मेजर किया जाता है चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम से. दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. अगर वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की चेंज होती है फ्रॉम एन इनिशियल वैल्यू यू टू फाइनल वैल्यू वी इन टाइम टी, तो एक्सीलरेशन ए को हम डिनोट करेंगे या शो करेंगे एज ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी. और ये काइंड ऑफ मोशन जो है इसे एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं. एक्सीलरेशन टेकन होता है पॉजिटिव अगर वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पर ये नेगेटिव रहता है अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है वेलोसिटी के. SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड होता है. अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे हम यूनिफॉर्म कहेंगे. मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का. इसी के अपोजिट अगर हम देखें ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ अगर उसकी वेलोसिटी चेंज होती है एट नॉन यूनिफॉर्म रेट. फॉर एग्जाम्पल अगर कार ट्रैवलिंग कर रही है अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड और इंक्रीज करती है उसकी स्पीड को बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो कार को हम कहेंगे कि वो मूव कर रही है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू.
एक्टिविटी दी है जिसमें हमें एवरीडे लाइफ में हमारे बहुत सारे हम फेस करते हैं ऐसे रेंज ऑफ मोशंस को, जिसमें एक्सेलरेशन जो है इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, किसी में एक्सेलरेशन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, किसी में एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है वाल किसी में नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स आइडेंटिफाई करने हैं और इन सब टाइप्स के एक एक एग्जाम्पल आपको राइट डाउन करना है। एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया है 8.4 में, जिसमें स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल ने पैडल करना शुरू किया उसकी बाइसिकल को और अटेन की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड की 30 सेकंड्स के अंदर। देन उन्हें अप्लाई किया ब्रेक को सच दैट वेलोसिटी ऑफ बाइसिकल जो थी वो 4 हो गई नेक्स्ट 5 सेकंड के अंदर। आपको एक्सीलरेशन कैलकुलेट करना है बाइसिकल का दोनों केसेस में। तो हम सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। फर्स्ट केस में देखें इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल 6 मीटर पर सेकंड हुई, टाइम उसे 30 सेकंड लगा। इक्वेशन इससे बनेगा हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, वी की वैल्यू 6 है, यू की 0 है अपॉन 30, तो 6 और 30 हमारा आया दैट इज 0.2, ये हमारा एक्सेलरेशन आया 0.2 मीटर पर सेकंड। सेकेंड केस में अगर देखें तो इनिशियल वेलोसिटी 6 थी और उसके बाद 5 सेकंड में उसने अपनी स्पीड को कम कर दिया दैट इज 4 मीटर पर सेकंड कर दिया है 5 सेकंड के अंदर। तो ए जो है हमारा 4 माइनस 6 अपॉन 5 है, ये आएगा हमारा आंसर माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन जो होगा वो बाइसिकल का फर्स्ट केस में देखें तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा और सेकंड केस में देखें तो वो माइनस 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे अपना बचा हुआ चैप्टर जो था क्लास 9 साइंस का चैप्टर 8 मोशन, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 8.4 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोशन को। तो सबसे पहली बात कि ग्राफ हमें प्रोवाइड करते हैं कन्वीनियंट मेथड हमारे पास होती है किसी भी बेसिक इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करने के लिए, वैरायटी ऑफ इवेंट्स को बताने के लिए हमारे पास ग्राफ जो होते हैं बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होती है। फॉर एग्जांपल एक लास्ट है अगर वनडे क्रिकेट मैच का तो वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो शो करते हैं रन रेट को उस टीम के हर ओवर में, हर ओवर के जो रन है उन्हें। एज यू हैव स्टडीड इन मैथमेटिक्स स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो हेल्प करता है सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन जिसमें टू वेरिएबल्स होते हैं। ये डिस्क्राइब करने के लिए कि मोशन मतलब डिस्क्राइब करना है कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है तो हम यूज कर सकते हैं लाइन ग्राफ्स को। और इस केस में लाइन ग्राफ्स जो है वो शो करते हैं डिपेंडेंसी ऑन वन फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि डिस्टेंस या वेलोसिटी ऑन द अदर ऑन अनदर क्वांटिटी और जैसे कि टाइम भी हम यूज कर सकते हैं। पहला हमारा ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके अंदर जो चेंज होता है इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो रिप्रेजेंट किया जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस। आपके चॉइस से आप कोई भी कन्वीनियंट स्केल ले सकते हैं। इस ग्राफ में टाइम जो है उसे एक्स एक्सिस पे लिया जाता है वाइल डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस पे लिया जाता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो एम्प्लॉय किया जाता है वेरियस कंडीशंस में जहां पर ऑब्जेक्ट मूव करता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से या एट रेस्ट होता है तब भी। आप देख सकते हैं यहाँ में डायग्राम दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म मोशन में है। अब ये कैसे पता चला, तो यूनिफॉर्म स्पीड में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो एक स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ आता है। जैसे आप देख सकते हैं जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है टाइम भी उसके साथ इक्वली मूव कर रहा है, इसलिए हमारे जो पॉइंट्स है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आए हैं जो यूनिफॉर्मनेस को शो करते हैं। हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में और मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से तो हम ये कहते हैं कि वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाता है और ये शो करता है दिस शोज दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। मतलब टाइम बढ़ते जाएगा तो डिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दस यूनिफॉर्म स्पीड के लिए ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल अगेंस्ट टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन जो मैंने आपको पहले ही बताया। पोर्शन ओबी जो है इस ग्राफ का वो शो करता है डिस्टेंस को इज इंक्रीजिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट। नोट कीजिए कि आप यूज कर सकते हैं टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी को इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट अलोंग विद वाई एक्सिस के, आप यूज कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिटरमाइन करने के लिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट की। और इसके लिए आप कंसिडर कर सकते हैं स्मॉल पार्ट ए बी को किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ के जो शो किया गया है 8.3 में। ड्रॉप कीजिए एक लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी और ये जो दो लाइन होंगी ये दोनों एक पॉइंट पे जहां मिलेंगी वो पॉइंट सी होगा ताकि वहां पर ट्रायंगल एबीसी बन पाए। और अब
ग्राफ के ऊपर देखेंगे तो ए से डिनोट करता है टाइम इंटरवल को। आप देख सकते हैं ए और बी के बीच में एक और तीसरा पॉइंट है सी, जो दोनों के यहाँ से जब एक एक लाइन हमने निकाली है पास की है तो वो सी पॉइंट पे मीट हो रही है, और वो हमारा सी पॉइंट जो है वो एक ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, ए बी सी ट्राइंगल, जिसमें ए सी जो है वो डिनोट कर रहा है टाइम इंटरवल टी टू माइनस टी वन, वाल बी सी करस्पॉन्ड कर रहा है डिस्टेंस को, दैट इज एस टू माइनस एस वन। और हम कह सकते हैं ग्राफ से हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव करता है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और कवर करता है डिस्टेंस एस टू माइनस एस वन इन टाइम टी टू माइनस टी वन। तो स्पीड वी जो है ऑब्जेक्ट की, इसीलिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज वी इज इक्वल टू एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। हम प्लॉट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी। टेबल 8.2 जो हमें नीचे दिया गया है वो शो करता है डिस्टेंस, या शो कर रहा है डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है एक कार ने टाइम टी के इंटरवल में, या टाइम इंटरवल के अंदर 2 सेकंड्स का टाइम इंटरवल है उसमें कितना कितना डिस्टेंस उस कार ने कवर किया है। पहले जीरो टाइम में जब टाइम शुरुआत ही हुई थी, शुरुआत हुई नहीं है तब जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, जब 2 सेकंड हुए हैं 1 मीटर चली है, 4 सेकंड में 4 मीटर चली है, 6 सेकंड में 9 मीटर चली है। इस तरह से हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, सॉरी टेबल दिया है, जिसके ऊपर से हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। इसमें डिस्टेंस हमने लिया है वाई एक्सिस पे, वाइल टाइम एक्स एक्सिस पे लिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये हमारा टाइम का, जैसे कि हमें वहां पर 2, 2 की गैप में दिए हुए थे टाइम इंटरवल, तो इसलिए हमने 2 के टेबल के रूप में हमने इसे लिया है टाइम को। वेल 5, 15, 20, 25, 30 ये हमने वाई एक्सिस पर डिस्टेंस इन मीटर लिया गया है। ऊपर के जो पॉइंट्स हैं आपको इस तरह से प्लॉट करना है जैसे उन्होंने दिए हुए हैं, और ये जो ग्राफ बनेगा ये ग्राफ है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। उसकी स्पीड यूनिफॉर्म नहीं थी, सेम नहीं थी थ्रू आउट द जर्नी, चेंज होते रही, इसलिए हमारा ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन नहीं आया है, और ये शो करता है कि वो कार की जो स्पीड थी वो नॉन यूनिफॉर्म थी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ कार ये शो किया गया है 8.4 में। नोट कीजिए कि शेप ऑफ ये ग्राफ जो है ये डिफरेंट है अर्लियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, क्योंकि पहला वाला जो हमारा ग्राफ था वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए था, वो स्ट्रेट लाइन था, और यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म के लिए है इसलिए स्ट्रेट लाइन नहीं है। नेचर जो है इस ग्राफ का ये शो करता है नॉन लीनियर वेरिएशन को डिस्टेंस के जो ट्रेवल किया गया था उस कार के थ्रू उस टाइम के अंदर, और इसीलिए ग्राफ शो करता है जो फिगर 8.4 में है वो रिप्रेजेंट करता है मोशन को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। सेकेंड हमारा ग्राफ है जिसका नाम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेरिएशन जो होते हैं वेलोसिटी में विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर एन ऑब्जेक्ट जो मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, वो रिप्रेजेंट किया जाता है बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और ये ग्राफ में टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एक्सिस पे, देख सकते हैं, वाइल वेलोसिटी जो है वो हमारी वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं। यहाँ पे हमें ग्राफ जो दिया है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन ऑफ कार के लिए, और वेलोसिटी जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है अलोंग वाई एक्सिस। अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में तो हाइट ऑफ इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल नॉट चेंज विद टाइम, हाइट उसकी चेंज नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बढ़ रहा है ना, तो उसकी हाइट तो सेम ही रहने वाली है। और ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल लाइन जो होती है एक्स एक्सिस पे वो फॉर्म होगी फिगर 8.5 की, जो शो करती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को फॉर कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी और टाइम जो है वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है उस ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी में। एरिया जो इनक्लोज किया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में और टाइम जो एक्सिस पे होता है वो इक्वल अगर होता है मैग्नीट्यूड के डिस्प्लेसमेंट के, इक्वल ही होता है, मतलब एरिया जो इनक्लोज किया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ने और टाइम एक्सिस जो है वो इक्वल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। ये जानने के लिए कि डिस्टेंस जो है डिस्टेंस मूव किया गया था जो कार ने बिटवीन टाइम T1 टू T2 यूजिंग 8.5 जो फिगर हमें दी गई है उसके थ्रू हम निकाल सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं परपेंडिकुलर्स फ्रॉम पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू टाइम T2 एंड T1 ऑन द ग्राफ। वेलोसिटी जो है 40 किलोमीटर पर आवर वो रिप्रेजेंट की जाती है बाय द हाइट दैट इज AC और BD, और इसीलिए टाइम जो है वो T2 माइनस T1 वो रिप्रेजेंट कर रहा है AB। हम देखें यहाँ पर डायग्राम में आगे पहले पढ़ लेते हैं। सो द डिस्टेंस एस जो है वो मूव किया गया था कार के थ्रू वो टाइम T2 माइनस T1 में किया था और वो एक्सप्रेस किया गया है एस इज इक्वल टू AC इंटू CD। अब यहाँ हम डायग्राम में देखेंगे तो एस जो है हमारा दिया हुआ, एस क्या है हमारा, उसके बाद में AC इंटू CD है, AC इंटू CD में हमारा एस निकला है बिकॉज ये क्या है परपेंडिकुलर है, और एस हमारा डिस्टेंस है जो मूव किया गया था कार के थ्रू।
तो AC हमारा 40 किलोमीटर पर आवर है, वाल CD हमारा T2 माइनस T1 है, तो 40 इंटू T2 माइनस T1 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD जो शेडेड फिगर है वो है। हम ये भी स्टडी कर सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में बाय प्लॉटिंग इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कंसिडर कीजिए कि कार है जो ड्रिवन हो रही है एक स्ट्रेट रोड में उसके इंजन को टेस्ट करने के लिए, तो वहां पर क्या होगा, सपोज एक पर्सन है जो सिटिंग हो रहा है नेक्स्ट ड्राइवर्स रिकॉर्ड, उसकी वेलोसिटी आपको रिकॉर्ड करनी है, बिल्कुल ड्राइवर के पास में बैठा हुआ है और उसकी वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड आपको नोट करना है रीडिंग उसके स्पीडोमीटर की कार के। वेलोसिटी ऑफ द कार जो है इन किलोमीटर पर आवर होती है एज वेल एज मीटर पर सेकेंड भी होती है, डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ टाइम में अलग अलग होती है जैसे शो किया गया है यहाँ पर। टेबल 8.3 में वेलोसिटी ऑफ कार दी है रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, जिसमें टाइम हमें सेकेंड्स में दिया है 0, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। वेल वेलोसिटी कार की मीटर पर सेकेंड और किलोमीटर में दी है जो है 9, 18, 27 एंड ऑन, और 2.5, 5.0, 7.5, सो ऑन, इस तरह से दी गई है। और इस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है मोशन ऑफ कार के लिए वो नीचे 8.6 में हमें शो किया गया है। नेचर ऑफ ग्राफ जो है वो शो करता है वेलोसिटी चेंजेस को बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और इसीलिए सारे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन ही होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक कार के लिए जो मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वो हमें दिया गया है, जिसमें देख सकते हैं आप 10 to 20 में हमारा जो BC है वो इक्वल टू AD हो गया है, टाइम सेम टाइम जो वेलोसिटी है वो इस तरह से बढ़ गई है 19 हो चुकी है और 18 हो चुकी है हम कह सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट्स जो प्लॉट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू दैट टेबल जो हमें ऊपर दिया था, इससे हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। आप डिटरमाइन कर सकते हैं डिस्टेंस जो मूव किया है कार ने फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया जिसके अंडर में वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो देता है हमें डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मूव बाय कार इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है उसके थ्रू वो रिप्रेजेंट किया जाएगा एरिया ABCD से। आप देख सकते हैं जो हमारा स्क्वायर है वो ABCD का एरिया शो कर रहा है अंडर द ग्राफ, और इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार ये चेंज होगी ड्यू टू एक्सेलरेशन, और डिस्टेंस एस जो है वो ट्रेवल किया जाएगा बाय द कार विल बी गिवन बाय द एरिया ABCDE अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसीलिए हम कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABCDE मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, दोनों मिलाकर एरिया ABCDE बन जाएगा, जिसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD में हमारा L इंटू B हम कह सकते हैं दैट इज AB इंटू BC आएगा, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट जिसमें बेस AD है और हाइट DE है। इस केस में नॉन यूनिफॉर्म मतलब नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो किसी भी शेप का हो सकता है जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं पॉइंट्स जो प्लॉट किए हैं हमने अकॉर्डिंग टू द नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी और टाइम के ऊपर जो हमारे प्लॉट किए गए पॉइंट्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, वो किसी भी तरह से मूव हो रहे हैं। पर सेकंड में भी हमें आ दिया हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑब्जेक्ट के नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के। फिगर 8.7A हमें शो कर रही है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रही है विद इंक्रीज इन टाइम, टाइम बढ़ते जा रहा है और वेलोसिटी ऊपर वाले चार्ट में ग्राफ में हमें कम होते हुए दिखाई दे रही है। वेल बी जो है हमें शो कर रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन यूनिफॉर्म वेरिएशन को वेलोसिटी के ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विद टाइम टी। इंटरप्रेट करके देखिए इन दोनों ग्राफ्स को। एक्टिविटी हमें करना है जिसमें टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन जो है 3 स्टेशन पे हो रहा है A, B और C, और डिस्टेंस जो है स्टेशन B और C का A से वो भी हमें इस टेबल में नीचे दिया हुआ है। इसमें डिस्टेंस ऑफ स्टेशन B एंड C फ्रॉम A एंड टाइम ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ द ट्रेन दिया गया है इस टेबल में हमें, जिसमें स्टेशन A डिस्टेंस 0 मतलब A से ही देखेंगे तो A का डिस्टेंस 0 है, टाइम अराइवल 8 बजे और डिपार्चर 8:15 को हो रहा है। वेल A से B का डिस्टेंस 120 किलोमीटर है, उसका अराइवल टाइम डिपार्चर टाइम, C का अराइवल टाइम C का डिपार्चर टाइम। प्लॉट करना है इंटरप्रीट करना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को इस ट्रेन के लिए, अज्यूम करना है कि मोशन जो है उन दोनों के बीच का दो स्टेशन के बीच का वो यूनिफॉर्म है। जैसे हमने ऊपर भी ग्राफ देखे हैं आप उसका यूज करके डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं ऊपर के डेटा का।
एक और एक्टिविटी है जिसमें फिरोज और उसकी सिस्टर सानिया दोनों स्कूल जाते हैं बाइसिकल से और दोनों स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को एक सेम टाइम पे, पर उनके घर से घर भी दोनों का सेम है, एक ही समय शुरू करते हैं, पर उनके वहां पहुंचने का टाइम जो है स्कूल का वो अलग है, जबकि वो सेम रूट को फॉलो करते हैं। तो नीचे जो हमें टेबल दिया है वो डिस्टेंस जो उन्होंने ट्रैवल किया है डिफरेंट टाइम्स में वो दिया गया है। अब टाइम दिया है, डिस्टेंस फिरोज ने कितना ट्रैवल किया और डिस्टेंस सानिया ने कितना किया ये दिया है। 8 बजे दोनों जीरो पे थे जब उन्होंने स्टार्ट किया। 8:05 को 1.0 किलोमीटर फिरोज चला है, वेल सानिया 0.8। इस तरह से चार्ट दिया है और हमें इसमें भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट करना है, मोशंस के ऑन द सेम स्केल और इंटरप्रेट करना है। अब हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू, तो ये पॉसिबल होता है उसे रिलेट करना वेलोसिटी एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल बाय अ सेट ऑफ इक्वेशंस, जिसे हम इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। और ये 3 इक्वेशंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है हमारे इस चैप्टर के, मोशन के चैप्टर्स के, जो हमें आगे भी यूज में आएंगे इस फिजिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स में। तो ये चीजों को आपको, ये तीनों इक्वेशंस को आपको भूलना नहीं है, जिसमें पहला हमारा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वाइल थर्ड है 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, जहां पर u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट का जो मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थ्रू a के थ्रू फॉर टाइम t, और v जो है हमारा फाइनल वेलोसिटी है, और s जो है हमारा डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया है ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट के थ्रू टाइम t के अंदर। इक्वेशन 8.5 हमारा पहला इक्वेशन डिस्क्राइब करता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन को। सेकेंड इक्वेशन जो 8.6 है वो रिप्रेजेंट करता है पोजिशन टाइम रिलेशन को। वेल इक्वेशन 8.7 जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन बिटवीन पोजिशन एंड वेलोसिटी को, जो ऑप्टेन की गई है इक्वेशन 8.5 और 8.6 को मिलाकर 8.7 हमारा मिला है। इसमें हमने टी को एलिमिनेट किया है, टाइम को एलिमिनेट किया है, और ये 3 इक्वेशन जो है डिराइव किए गए हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। इक्वेशंस फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, अब कौन से इक्वेशंस हैं और वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए वो कैसे हैं? कंसिडर कीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एज हम देख सकते हैं टाइम और वेलोसिटी दी है, टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस वाइल वेलोसिटी इज ऑन वाई एक्सिस, जहां पर हमें ओसी जो है इक्वल टू ओडी दिया गया है, मतलब हमारा जब मूवमेंट शुरू हुआ है, मोशन शुरू हुआ है वो ए से शुरू हुआ है, तो 0 to A का हमारा जो मोशन है वो 0 है, इसे आगे हमें बताया गया है, शो किया गया है फिगर 8.8 में, जो फिगर 8.6 से सिमिलर है, बट यहाँ पर u की वैल्यू 0 नहीं है। और इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की u है एट पॉइंट a एंड देन इट इंक्रीज टू v, मतलब पॉइंट b तक जाती है इन टाइम t। वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब a से, इन फिगर 8.8 परपेंडिकुलर लाइंस जो है BC और B वो ड्रॉन की गई है B पॉइंट से इन ऑन द टाइम और वेलोसिटी एक्सिस रिस्पेक्टिवली, मतलब वेलोसिटी एक्सिस पे और टाइम पे दोनों के दोनों जो लाइंस हैं वो परपेंडिकुलरली ड्रॉन की गई है पॉइंट बी से, ताकि इनिशियल वेलोसिटी जो है रिप्रेजेंट की जाए ओ ए से और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाए बी सी से, पर टाइम इंटरवल टी जो है वो रिप्रेजेंट किया जाए ओ सी से। बी डी इज इक्वल टू बी सी माइनस सी डी है, रिप्रेजेंट किया गया है चेंज इन वेलोसिटी को इन टाइम इंटरवल टी। अब हम ड्रॉ करेंगे एडी को पैरेलल टू ओसी। इस चीज के लिए फ्रेंड्स आपको वो जो ग्राफ है उसे अपने सामने रखना होगा, ताकि आप इस चीज को इजीली उसके साथ कोरिलेट कर सकें। लेट हम ड्रॉ करेंगे एडी पैरेलल टू ओसी। जैसे मैंने आपको बताया था ओसी हमारा बेस पे था टाइम का जो शो कर रहा था, और वहां से एडी जो है, जहां से हमारा ए पॉइंट से जो हमारा मोशन शुरू हुआ है वो एडी हमने पैरेलल बना लिया, तो इससे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी। वेल बी डी प्लस ओ ए लिख सकते हैं क्योंकि डी सी इज इक्वल टू ओ ए है। सब्सटीट्यूट कीजिए बी सी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू वी और ओ ए की वैल्यू यू, तो हमको मिलेगा वी इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, मतलब बी डी इज इक्वल टू वी माइनस यू।
और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से फिगर 8.8 में एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है उसे हम a इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन कह सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी मतलब bd अपॉन ad है, वाइल ad की जगह हम oc लिख सकते हैं तो bd अपॉन oc लिख सकते हैं। बट हमें पता है कि oc क्या है, oc हमारा टाइम है, तो हम oc की जगह t सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जिससे हमें a इज इक्वल टू bd अपॉन t मिलेगा। वेल bd अगर हम एक तरफ ले लेते हैं तो हमें ad at वैल्यू मिल जाएगी, bd इज इक्वल टू a इंटू t हो जाएगा। इक्वेशन 8.8 और 8.9 को जब हम इक्वेट करते हैं, मिलाते हैं, तो हमें b इज इक्वल टू u प्लस तो हमें से इक्वेशन मिल रहा है v इज इक्वल टू u प्लस at। भाई अब हम आगे देखेंगे, अगर तो हमें नेक्स्ट देखना है इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए। तो जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो ट्रैवल करता है एक डिस्टेंस को s इन टाइम t अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a। इन फिगर 8.8 जो हमें दिया है, डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू वो ऑब्टेन किया जाता है बाय एन एरिया एनक्लोज्ड विद OABC अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ AB। दस जो डिस्टेंस s ट्रैवल किया गया है ऑब्जेक्ट के थ्रू उसे हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं s इज इक्वल टू एरिया OABC जो ट्रैपेजियम है। वाइल OABC एरिया को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC आएगा प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD आएगा। अब हम लिख सकते हैं OA जो हमारा रेक्टेंगल के लिए मैंने बोला था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो OA इंटू OC पर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मतलब हाफ इंटू AD इंटू BD और ये हमारा 8.10 आएगा। आप सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यू, OA की वैल्यू U और OC की वैल्यू मतलब ही AD की वैल्यू मतलब ही T और BD की वैल्यू हमने निकाली थी पहले इक्वेशन में वो है 80। तो हमें ये सारी वैल्यूज मिल गई हैं, आगे हमें सिर्फ पुट करना है। तो s इज इक्वल टू यू इंटू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा नेक्स्ट जो था वो फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम थर्ड वाला फॉर्मूला देखेंगे, इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, जिसमें हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ शो करता है फिगर 8.8 में जो बताया गया था उसमें डिस्टेंस s जो है वो ट्रैवल किया गया ऑब्जेक्ट के थ्रू टाइम t के अंदर और ये मूव कर रहा था इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a में और इसे हम कह सकते हैं एरिया जो इंक्लूज किया गया विद इन ट्रैपेजियम OABC इस ग्राफ के अंडर में। That is S is equal to area of trapezium OABC, जिसमें area of trapezium OA plus BC into OC upon 2 है। अब values हमें इनकी पहले से पता है, substitute करना है OA की value U, BC की value V, OC की value T और इन तीनों की value substitute करने के बाद हमें जो equation मिलेगा वो इस तरह से होगा S is equal to U plus V into T upon 2 और फ्रॉम वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन 8.6 जो है हमें इससे मिलेगा t इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन a और इक्वेशन 8.11 और 8.12 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा s इज इक्वल टू v प्लस u इंटू v माइनस u अपॉन ट्वाइस a। दैट इज 2a को हम s की तरफ ले जाएंगे वो हो गया 2as और a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला या आइडेंटिटी जो है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये हमारा आ जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर जो हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब हमें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें एक ट्रेन है जो स्टार्टिंग करती है रेस्ट में और अटेन करती है वेलोसिटी को 72 किलोमीटर पर आवर में पर आर इन 5 मिनट्स। अज्यूम करना है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और उसके थ्रू आपको फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन और डिस्टेंस जो ट्रैवल किया गया है ट्रेन ने ताकि वो अटेन कर सके वेलोसिटी को। जैसे हमें गिवन है यू की वैल्यू 0 है, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 72 है और 72 को हम 20 मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर को हमने 20 मीटर पर सेकेंड में कर दिया है। टी की वैल्यू 5 मिनट्स है मतलब 300 सेकेंड्स है। इक्वेशन से हम जानते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। एक और चीज में बता दूं कि फ्रेंड्स हमारे पास जो गिवन डेटा है उस गिवन डेटा में हमको जो वैल्यू को फाइंड करना है उसके अलावा सारी वैल्यूज अगर हमारे पास में हैं तो कौन से फॉर्मूले में ये सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ये आपको सिर्फ सर्च करना है उस ऊपर के 3 फॉर्मूलेज में से। तो यहाँ पर हमारा a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी है जिसमें हमें v की वैल्यू पता है, u की पता है एंड t की भी पता है। वैल्यूज पुट करो हमें आंसर मिला है 1/15 मीटर पर सेकेंड। इक्वेशन 8.7 में
जो है 2as is equal to v square minus u square, जिसमें v square हमें पता है लेकिन u हमारा initial है इसलिए 0 होगा, और इसीलिए s is equal to v square upon 2a हम लिख सकते हैं. v square मतलब हमने ऊपर निकाला था v की value 20 थी, तो 20 meter per second जो है उसका square लेना है, upon 2 into a की value हमने अभी निकाली है 1 upon 15 meter per second. 3000 इसका आंसर आता है, 3000 मीटर मतलब 3 किलोमीटर. एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन हमें इससे पता चल गया, दैट इज 1 upon 15 मीटर पर सेकंड, वेल डिस्टेंस जो ट्रैवल किया था वो है 3 किलोमीटर. एक एग्जांपल है 8.6 हमें दिया है, जिसमें कार है जो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड्स. तो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन को और डिस्टेंस जो कवर किया गया है कार के थ्रू उस टाइम में. सॉल्यूशन इसका ये है कि हमें गिवन जो चीजें हैं वो सारी हमें लिख देनी है यहाँ पर. एक और जैसे यू की वैल्यू 18 किलोमीटर पर आवर है, उसे हमें मीटर पर सेकंड में किया है. एक हिंट इसके लिए मैं आपको दे दूं, अगर आपको किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में करना है तो आप उसे मल्टीप्लाई बाय 5/18 कर सकते हैं. टी की वैल्यू 5s है. इक्वेशन a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 10 माइनस 5 अपॉन 5, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया. इक्वेशन 8.6 हम जानते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें सारी वैल्यूज पता है, जस्ट पुट आउट द वैल्यूज, और सारी वैल्यूज पुट करने के बाद 37.5 मीटर जो है ये हमारा डिस्टेंस कवर्ड होगा. एक और एग्जांपल है जिसमें ब्रेक्स जो हैं अप्लाइड किए जाते हैं, अप्लाइड किए गए हैं कार को टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन. अगर कार जो है उसे 2 सेकंड लग रहे हैं स्टॉप होने के लिए और एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक के बाद भी, तो कैलकुलेट करना है कि डिस्टेंस कितना उसने ट्रैवल किया होगा उस टाइम के अंदर. तो हमें जैसे सारी चीजें गिवन है, a की वैल्यू माइनस 6, t की वैल्यू 2 सेकंड्स, v की वैल्यू 0. इक्वेशन 8.5 से v इज इक्वल टू u प्लस at, वेल v हमारा 0 है, u हम u एज इट इज लेंगे, माइनस 6 इंटू 2, यू को हम उधर भेज देंगे तो ये आएगा 12 मीटर पर सेकंड पर सेकंड. इक्वेशन 8.6 से हमें मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें हमें सारी वैल्यूज पता है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड विल गेट द आंसर, दैट इज s इज इक्वल टू 12 मीटर. और दस कार जो है वो मूव करेगी 12 मीटर बिफोर इट स्टॉप्स आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, ब्रेक लगाने के बाद भी 12 मीटर तक कार मूव करेगी. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, जब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है चेंज होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग है, और चेंज इन वेलोसिटी जो है ये ड्यू टू चेंज इन इट्स मैग्नीट्यूड हो सकता है या डायरेक्शन ऑफ मोशन हो सकता है, ये दोनों के कारण हो सकता है. क्या आप सोच सकते हैं एग्जाम्पल जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं हो रहा है उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो रही है. जैसे आप देख सकते हैं हमें अलग अलग ट्रैक्स दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल और सर्कुलर ट्रैक. मोशन ऑफ एथलेटिक जो है, एथलेट जो है लॉन्ग क्लोज ट्रैक्स डिफरेंट शेप्स के यहाँ पे दिए गए हैं. लेट कंसीडर करते हैं कि एग्जांपल है मोशन ऑफ बॉडी का एक क्लोज पाथ के थ्रू. फिगर 8.9 जो है वो शो करता है पाथ को एथलेट के अलोंग रेक्टेंगुलर ट्रैक ABCD. लेट अस अज्यूम कि एथलेट जो है वो रन कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से एक स्ट्रेट पाथ पे, मतलब ए बी से बी सी फिर सी डी एंड देन डी ए उस ट्रैक के, तो ऑर्डर जो है वो उसे हिमसेल्फ ट्रैक के ऊपर ही रख रहा है. क्विकली चेंज करता है वो अपनी स्पीड को एट द कॉर्नर. तो कितनी बार एथलेट जो है उसे चेंज करना पड़ेगी अपने डायरेक्शन को अगर वो वन राउंड कंप्लीट करता है. तो ये क्लियर है कि उसे अगर रेक्टेंगुलर ट्रैक है तो उसे 4 टाइम्स मूव करना है कॉर्नर्स पे अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए. उसी तरह से डिपेंड करता है, हेक्सागोनल शेप है तो उसे 6 टाइम मूव करना होगा, ऑक्टागोनल है तो 8 टाइम्स मूव करना होगा. इस तरह से अकॉर्डिंग टू द शेप उसे डायरेक्शन चेंज करने के लिए उतने बार मूव करना होगा. अगर जो ट्रैक है वो इंक्रीजिंग नंबर इन साइट इनडेफिनेटली है तो क्या होगा कि क्या वो मूव करते रहेगा, कितने बार चेंज होगा. तो आप ये नोटिस कर सकते हैं शेप ऑफ ट्रैक से जो अप्रोच करता है शेप ऑफ सर्कल को, या लेंथ ऑफ ईच ऑफ द साइड जो डिक्रीज करता है पॉइंट को. अगर एथलेट मूव कर रहा है एक वेलोसिटी के साथ, कॉन्स्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, तो ओनली चेंज होगा उसकी वेलोसिटी में, ये चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन के कारण होगा. और मोशन जो है एथलेट का वो मूव होता है अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, और देयरफॉर एग्जांपल जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन का होता है. हम जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस आर जो है वो हम 2πr से डिनोट करते हैं. अगर एथलेट को टी सेकेंड्स लगते हैं एक राउंड को पूरा करने के लिए सर्कुलर वंस अराउंड द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, तो वेलोसिटी वी को हम वी इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी लिख सकते हैं. जब ऑब्जेक्ट मूव करता है एक सर्कुलर पाथ में एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ,
तो उसका मोशन जो है उसे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। एक्टिविटी में हमें एक पीस ऑफ थ्रेड लेना है, टाई करना है एक पीस ऑफ स्टोन एट वन ऑफ डेट एंड मूव करना स्टोन को टू डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड बाय होल्डिंग द थ्रेड एट अदर है, जैसे शो किया गया है। अब आपको उस स्टोन को रिलीज कर देना है थ्रेड से। आप बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन में जो स्टोन है वो मूव करेगा। रिपीट कीजिए एक्टिविटी को फ्यू टाइम्स के लिए और रिलीज कीजिए स्टोन को एट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सर्कुलर पाथ। चेक कीजिए कि डिफरेंट डायरेक्शंस जो है स्टोन की क्या मूव मतलब हो रहा है, जो वेदर द डायरेक्शन इन विच द स्टोन मूव रिमेन द सेम और नॉट। अगर आप केयरफुली नोट करेंगे ऑन बीइंग रिलीज द स्टोन मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन टैंजेंटियल टू द सर्कुलर पाथ, आप देखेंगे कि बिल्कुल टैंजेंट की रूप में वो मूव करेगा और ये बिकॉज ऑफ द स्टोन इज रिलीज, ये कंटिन्यू मूव हो रहा है अलोंग अ डायरेक्शन ऑफ हिज बीइंग मूविंग एट द इंस्टेंट। और ये शो करता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो चेंज होता है एवरी पॉइंट में जब स्टोन जो है मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में। जब एक एथलीट थ्रो करता है हैमर को या डिस्कस को इन स्पोर्ट्स में, तो ये वो जो है वो होल्ड करता है हैमर को या डिस्कस को उसके हैंड में और उसे सर्कुलर मोशन से रोटेट करते हैं उनकी ओन बॉडी के थ्रू। एक बार जब वो रिलीज होता है तो डिजायर डायरेक्शन में जाता है हैमर और डिस्कस जो है वो मूव होते हैं डायरेक्शन इन विच वो मूव हो रहा है एट द टाइम जब वो रिलीज किया गया, जस्ट लाइक द पीस ऑफ स्टोन जो हमने एक्टिविटी में देखा। बहुत सारे फैमिलियर एग्जांपल्स हैं ऑब्जेक्ट्स के जो मूव करते हैं अंडर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसे मोशन ऑफ मून, अर्थ, सैटेलाइट और सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द साइक्लिस्ट ऑन द सर्कुलर ट्रैक, ये सब कॉन्स्टेंट स्पीड पे होते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरह से इस चैप्टर को हमने यहाँ कंप्लीट किया है।